रिलायंस इंडस्ट्रीज वो कंपनी है जो हमेशा इतिहास रचती है। एक बार फिर रिलायंस ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दरअसल शेयर बाजार में तेजी के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 11.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। सोमवार को कारोबार में BSE पर रिलायंस के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 22 अप्रैल को जब कंपनी ने फेसबुक के साथ जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश डील की जानकारी दी थी, तब इसका मार्केट कैप 7.83 लाख करोड़ रुपए था। इसके बाद सिर्फ 11 हफ्तों में कंपनी का मार्केट कैप करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। रिलायंस का शेयर 3.37% की बढ़ोतरी के साथ 1,847.70 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। शेयरों में तेजी से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बढ़कर 11,69,620.13 करोड़ रुपए हो गया। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी इंटेल के जियो प्लेटफॉर्म में 1,894.50 करोड़ रुपए के निवेश से RIL के शेयरों में तेजी आई है। इंटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 1,894 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही करीब 3 महीने में 12 विदेशी कंपनियों ने रिलायंस जियो में निवेश किया। इसके पहले फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, रिस्टा, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडाला, सिल्वर लेक, ADIA, TPG, एलकेटाटॉन, PIF ने जियो में निवेश किया है। आपको बता दें कि रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बिक्री से 1,17,588 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रिलायंस को अब तक जियो प्लेटफॉर्म की 25.09% हिस्सेदारी के लिए निवेश मिल चुका है। इंटेल कैपिटल के साथ ये निवेश साझेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स की 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर हुई है। जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए तय की गई है। इस निवेश के जरिए इंटेल कैपिटल को जियो प्लेटफॉर्म्स की 0.39% हिस्सेदारी फुल डायल्यूटेड आधार पर दी जाएगी। इंटेल टेक्नोलॉजी सेक्टर की जाने वाली कंपनियों में से एक है। इंटेल कैपिटल जिसके माध्यम से कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करती है। जियो में इससे पहले बड़ा निवेश सऊदी अरब की PIF ने किया था, जिसने 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पिछले 2 महीने में जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए रिलायंस ग्रुप ने करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए जुटाए। रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल आने वाले वक्त में लिस्टेड होने वाली 15 जुलाई को कंपनी की AGM है, जिसमें ये बड़ी घोषणाएं हो सकती है।